स्वास्थ्य और सौंदर्य के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मसूर दाल को चेहरे पर लगाने के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में। मसूर दाल का प्रयोग त्वचा की खूबसूरती को निखारने के लिए खूब किया जाता है। मसूर दाल खाना जितना सेहतमंद होता है उतना ही स्किन के लिए भी फायदेमंद माना गया है। मसूर दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो स्किन को बेदाग बनाने में मदद करता है। मसूर दाल के नियमित प्रयोग से त्वचा में कसावट आती है जिससे आपकी त्वचा जवा और निखरी हुई लगने लगती है। तो फिर खूबसूरती को निखारने के लिए मसूर दाल का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। यदि आप एक्ने की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए 2 से 3 चम्मच मसूर की दाल को रात भर पानी में भिगो दें। अगली सुबह इसे पीसकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से मिक्स करके पैक तैयार कर लें। अब इस पैक को चेहरे व गर्दन पर लगाएं और सूखने पर ठंडे पानी से धो लें। वीक में 2 से 3 बार इसे करने से एक्ने की प्रॉब्लम जल्द ही खत्म हो जाएगी। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो इसके लिए एक बॉल में 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर ले लें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चम्मच दही डालकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई करें। सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लें। वीक में 2 बार ऐसा करने से न सिर्फ ऑयली स्किन की समस्या दूर होगी बल्कि स्किन सॉफ्ट व स्मूथ भी बन जाएगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर इसके लिए एक बॉल में 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर ले लें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच एलोवेरा जल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे अपने फेस पर अप्लाई करें। सूखने पर ठंडे पानी से धो लें। वीक में 2 से 3 बार ऐसा करने से त्वचा में नमी आती है, साथ ही त्वचा बेदाग व निखरी हुई नजर आने लगती है। तो फिर आज आपने इस वीडियो में चेहरे पर मसूर दाल लगाने के फायदों के बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।